उन बिहारी सिहादा हरि जी महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, समाचार वंदन की जय हो, वृंदावन चलने की। एक समय की बात है, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज तटिया स्थान में विराजमान थे, जिन्होंने तटिया स्थान की स्थापना करी, तटिया स्थान गद्दी की। स्वामी जी के द्वितीय अनुरूप श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज गद्दी पे विराजमान थे। उस समय वृंदावन चंजू का इतना विकास नहीं हुआ था, वृंदावन चंजू में घनघोर लताएं और गौएं घूमती रहती थी यहाँ पर, और उस समय कोई नहीं आता था, तो कुछ लोग रहते थे। तो स्वामी जी महाराज अपने भजन में बैठे हुए थे, तो वो लता के नीचे, पीपल की लता के नीचे विराजमान थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक गौ भागते भागते तटिया स्थान की ओर आई और श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज के पास आकर के रुक गई। तो श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने देखा कि एक गौ आई है उनके पास। तो श्री स्वामी जी महाराज तो सब कुछ जानते थे, वो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने देखा कि गाय के कहीं पर कटा है, तो वहाँ से खून निकल रहा है। तो उन्होंने गाय को पकड़ लिया अपने पास, प्रेम से पुचकारने लगे, तो देखा पीछे से 10-12 मुसलमान भागते हुए आए। वो कहने लगे ये गौ हमें दे दो, ये हम काट देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम गौ नहीं काट सकते हो, इसके बदले तुम हमें काट दो, लेकिन हम गौ नहीं काटने देंगे। तो जब वो नहीं माने तो फिर स्वामी जी महाराज ने अपनी बाकी से उन सारे मुसलमानों को मार मार करके भगा दिया, क्योंकि संत तो ऐसे हैं कि जब तक तो दिखते हैं सीधे, लेकिन जब गौ के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो संत अपने प्राण भी प्राण गंवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गौ को कटने नहीं देते। तो ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने प्राण छावर करके गौ की रक्षा करी, क्योंकि वो जानते थे अगर गौ रहेंगी तो संत रहेंगे और हिंदू सनातन संस्कृति रहेगी। बोलो सिहदा सिहदा।